हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी फॉर ऑल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रॉक्स या चट्टाने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो चार शॉर्ट वीडियोस में आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले चलते हैं इसके अर्थ पर, चट्टानों का अर्थ क्या है। तो साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम समझें तो जो पृथ्वी पर, पृथ्वी के क्रस्ट पर या पृथ्वी की भूपरपटी पर जो भी कठोर पदार्थ होता है उसको हम चट्टान कहते हैं। लेकिन अगर व्यापक अर्थों में देखें तो पृथ्वी के क्रस्ट पर या पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे भी जो भी कोमल या कठोर चट्टाने होती हैं, सॉफ्ट या हार्ड मटेरियल, तो इन मटेरियल्स को चट्टान कहा जाता है। जो कठोर चट्टाने होती हैं वो तो हम जानते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ये कठोर चट्टाने हैं। लेकिन जैसे चौक है या सॉल्ट है, ये भी चट्टानों की श्रेणी में ही आते हैं, ये कोमल चट्टाने हैं, सॉफ्ट रॉक्स हैं। और अगर अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो चट्टाने क्या है, एक से अधिक खनिजों का मिश्रण है। एक से अधिक खनिजों के मिलने से चट्टानों का निर्माण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है कई एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, कई तत्वों के मिलने से बनी है। तो एलिमेंट्स तो कई हैं, लेकिन पृथ्वी के निर्माण में मुख्य रूप से आठ एलिमेंट्स का योगदान है। यानी इन आठ एलिमेंट्स की भूमिका सबसे प्रमुख है पृथ्वी के निर्माण में। तो जैसे इनमें है, जैसे ऑक्सीजन है, सिलिका है, एल्यूमिनियम है, फेरियम है, तो इनका इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे मिनरल्स है। एक या अधिक एलिमेंट्स के मिलने से मिनरल्स का निर्माण होता है। एक या अधिक तत्व मिलकर खनिजों का निर्माण करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2000 से अधिक खनिज जो हैं उनकी भूमिका है, जो चट्टान पाए जाते हैं उनके निर्माण में। यानी चट्टानों के निर्माण में 2000 से अधिक खनिजों का योगदान है। लेकिन उसमें भी सबसे प्रमुख योगदान जो है वो छह खनिजों का है। जैसे फेल्सपार है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल्स है, माइका है, ओलिवाइन है। तो ये छह खनिज जो है वो पृथ्वी के चट्टानों के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका निभाते हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं तो रॉक्स है। तो अब एक या अधिक मिनरल्स के मिलने से रॉक्स का निर्माण होता है। यानी एक से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से मिनरल्स का निर्माण होता है और एक या अधिक मिनरल्स के मिलने से रॉक्स का निर्माण होता है। तो ये तो अर्थ स्पष्ट हो गया हमें चट्टान का। अब आगे बढ़ते हैं कि चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं, कितने तरह की चट्टाने होती हैं। तो मुख्य रूप से तीन तरह की चट्टाने होती हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है चट्टानों का वो है इग्नेयस, या हिंदी में उसको बोलते हैं आग्नेय। तो नाम से ही स्पष्ट है आग्नेय यानी आग से संबंधित है। तो सचमुच में ये आग से ही संबंधित है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति के समय में एक गर्म आग का गोला थी, तो धीरे धीरे वो ठंडी होना शुरू हुई, घूमती रही और ठंडी होती रही। तो बाहरी सतह जो है वो सबसे पहले ठंडी हुई, तो जैसे जैसे सतह ठंडी हुई तो वो जो गर्म पदार्थ था वो चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्हीं चट्टानों को कहा गया इग्नेयस रॉक्स। तो उस समय से ये चट्टाने बन रही हैं, तो सबसे पुरानी चट्टाने हैं। तो उस समय चट्टाने तो बन गई, लेकिन क्या अभी नहीं बन रही है? लेकिन अभी भी बन रही है। तो अभी कैसे बन रही है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक क्रस्ट है, मेंटल है और ये कोर है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, जैसा कि मैंने बताया था, एक पतली सी परत है, एस्थिनोस्फेयर, जिसमें मैग्मा का भंडार होता है, कई मैग्मा चैम्बर्स होते हैं। और ये भी बताया था कि हमारा जो क्रस्ट है वो कई प्लेट्स में डिवाइडेड है, कई प्लेट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, स्थिर नहीं है। तो ये प्लेट्स जो हैं, जब
इधर मूव करते हैं और इसी प्रक्रिया में कहीं पर कोई ओपनिंग होती है या कहीं पर कोई उनको रास्ता मिलता है तो ये जो मैग्मा है अंदर ये बाहर की तरफ इसका बहाव होता है और ये लावा के रूप में बाहर आता है। तो ये लावा के रूप में बाहर आता है तो वायुमंडलीय प्रभाव से ठंडा होना शुरू होता है और ठंडा हो करके ये इग्नियस रॉक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से उस समय तो इग्नियस रॉक्स का निर्माण हुआ ही, अभी भी इग्नियस रॉक्स का निर्माण हो रहा है। तो ये इग्नियस रॉक्स और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है क्योंकि इसी से बाकी दो जो प्रकार है चट्टानों के उनका भी निर्माण इसी चट्टान से होता है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है या प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। और ये जो है ये पृथ्वी का 90% जो है इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है। अब जो ये जो इसकी विशेषताओं पर आते हैं तो इसकी विशेषता जो है इसके निर्माण की प्रक्रिया से ही निर्धारित होती है। जैसे इसका निर्माण हुआ है उसी तरह से इसकी विशेषताएं हैं। जैसे इसका निर्माण कैसे हुआ है, गर्म पदार्थ के ठंडे होकर जमने से, तो एक लंप के रूप में वो जम गया तो इसमें लेयर्स नहीं पाए जाते, यानी कि इसमें लेयर्स नहीं होते हैं, नो लेयर्स। तो ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता क्या है कि क्योंकि ये गर्म पदार्थ से बना है तो इसमें पौधों और जीव जंतुओं के कोई अवशेष नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो उसमें जिंदा बचेंगे, मतलब उसमें अवशेष जो है वो सुरक्षित नहीं बचेंगे, तो इसलिए इसमें जीवाश्मों का भी अभाव होता है, यानी नो फॉसिल्स। और क्योंकि ये लावा के ठंडे होने से बनते हैं इसलिए ये हार्ड होते हैं, हार्ड काफी कठोर चट्टाने होती हैं आग्नेय चट्टाने, और हार्ड है और इनकी डेंसिटी भी अधिक होती है, डेंस होती है, इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक है तो चट्टानों की एक विशेषता होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिएबिलिटी और हिंदी में बोलते हैं संरंध्रता। तो परमिएबिलिटी का अर्थ यह है कि चट्टान में छोटे छोटे छिद्र होते हैं या संरंध्र होते हैं, तो उसमें जो है पानी या कोई भी लिक्विड जो है वो अंदर उसके थ्रू प्रवेश कर सकता है। तो अगर ये प्रवेश जिस चट्टान में कर पाता है तो उसको बोलते हैं कि ये चट्टान जो है इसमें परमिएबिलिटी की क्वालिटी है या ये चट्टान जो है संरंध्र है। लेकिन जिसमें ये विशेषता नहीं होती है उसमें इस तरह का पानी वगैरह का प्रवेश करना जो है वो कठिन होता है, तो उसको बोलते हैं कि ये परमिएबल रॉक्स नहीं है। तो ये जो है क्योंकि कठोर होता है, काफी हार्ड होता है, डेंस होता है, तो इसमें परमिएबिलिटी की क्वालिटी नहीं होती है, इसलिए ये नॉट परमिएबल नहीं होता है। तो परमिएबल नहीं है, जब इसमें पानी वगैरह जो है वो अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा कि ये अपक्षय और अपरदन, इसका वेदरिंग और इरोजन जो है वो बहुत कठिन हो जाएगा, यानी कि इसमें अंदर पानी वगैरह जाने से क्या होता है कि इसमें तोड़फोड़ जो है आसानी से होती है चट्टानों में, लेकिन इसमें क्योंकि वो विशेषता है ही नहीं, ये परमिएबल नहीं है, इसलिए इसमें वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस जो है वो भी आराम से नहीं हो पाता है, यानी कि ये नॉट इरोडेबल इजीली, ये आराम से इसका अपक्षय और अपरदन नहीं हो सकता है, समय लगता है, होता है लेकिन बहुत धीरे होता है। और एक और विशेषता है कि क्योंकि ये गर्म पदार्थ के ठंडे होने से इन चट्टानों का निर्माण होता है तो ये क्रिस्टलाइन होती है, इनमें कण होते हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होगी जो कि इसके निर्माण से ही संबंधित है, इसमें परत नहीं होती है, परतें नहीं होती है, नो लेयर्स, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, नो फॉसिल्स, ये कठोर होती है, इनका घनत्व अधिक होता है
और ये परमिएबल नहीं होती है, ये संरंध्र नहीं होती है, इनमें जॉइंट्स भी नहीं होते हैं, इसलिए इनका अपक्षय और अपरदन भी आसानी से नहीं हो सकता है और ये क्रिस्टलाइन भी होती है। तो ये इसकी इस चट्टान की विशेषताएं हैं। अब आते हैं इसके प्रकार पर। तो ये प्रकार आग्नेय चट्टानों के भी प्रकार हैं। तो दो प्रकार है मुख्य रूप से, जो कि एक प्रकार जो है वो है जो जहां पर इनका निर्माण होता है उस स्थान के आधार पर ये निर्धारण किया गया है, और दूसरा जो है वो जो इनका केमिकल कंपोजिशन है उसके आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। प्लेस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर, या तो मैग्मा जो है वो अंदर है तो या तो वो अंदर जम जाता है, अगर किसी कारणवश बाहर नहीं निकल पाया तो अंदर ही जम जाता है, तो अंदर जो जम जाता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान, और अगर बाहर निकल गया लावा के रूप में और वहां जम गया तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव या बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक या बहिर्वेधी आग्नेय चट्टान। अब दोनों की विशेषताएं क्या होती है, जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है वो क्योंकि धरती के अंदर है, जम रहा है, तो जाहिर है कि वो धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इस चट्टान में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट। इसका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का सबसे अच्छा उदाहरण है ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है उसकी क्या विशेषता है, क्योंकि वो बाहर आ गया तो वायुमंडलीय प्रभाव से वो जल्दी ठंडा होता है, तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट। ये हो गया। अब आते हैं जो इसका वर्गीकरण किया गया है इसकी रासायनिक संरचना के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तो इस आधार पर दो तरह के इग्नियस रॉक्स होते हैं, एक जिसमें सिलिका की मात्रा 65% या 65% या उससे अधिक होती है उसको बोलते हैं एसिडिक इग्नियस रॉक, और जिसमें जिस इग्नियस रॉक में सिलिका की मात्रा 65% या उससे कम होती है उसको बोलते हैं बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक इग्नियस रॉक यानी कि अम्लीय आग्नेय चट्टान, और बेसिक इग्नियस रॉक यानी कि क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो बेसिक जो एसिडिक होती है उसकी क्या विशेषता है कि वो हल्के रंग की होती है, और हल्के रंग की होती है, हल्की होती है, और इसका घनत्व भी कम होता है। और बेसिक जो होती है, जो क्षारीय आग्नेय चट्टान होती है, उसकी क्या विशेषता है कि ये भारी होती है, इसका रंग भी गहरा होता है और इसका घनत्व भी अधिक होता है। तो ये हो गए प्रकार, दो आधारों पर, एक इनके निर्माण के स्थान के आधार पर और एक केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। तो ये इनके प्रकार हो गए। अब आते हैं इसके आर्थिक महत्व पर, जो इग्नियस रॉक्स का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इनका क्या आर्थिक महत्व है। तो इनका आर्थिक महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने भी जो वैल्यूएबल मिनरल्स पाए जाते हैं, वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, प्लैटिनम है, निकेल है, तो जितने भी वैल्यूएबल मिनरल्स पाए जाते हैं वो आग्नेय चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। और दूसरा कि जितने भी लगभग जितने भी मेटलिक मिनरल्स है, मिनरल्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक मेटलिक नॉन मेटलिक, तो मेटलिक मिनरल्स की सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो आग्नेय चट्टानों से ही प्राप्त होती है। तो ये एक हो गया कि जो वैल्यूएबल मिनरल्स इनसे प्राप्त होते हैं, दूसरा है कि मेटलिक मिनरल्स इनसे प्राप्त होते हैं, तीसरा है कि इनसे बिल्डिंग मटेरियल हमें प्राप्त होता है, कि जैसे जो निर्माण सामग्री जिसे कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, तो इनसे भवनों का निर्माण होता है, या फिर जैसे ग्रेनाइट का हम जानते भी हैं, देखते हैं ग्रेनाइट का उपयोग होता है घरों में, और
जो बेसाल्ट है सड़कों के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो ये हो गया तीसरा उपयोग। चौथा है कि जैसे ये बेसाल्ट है जो ये एक्सक्लूसिव जो इग्नेस रॉक है बेसाल्ट, तो बेसाल्ट जो है वो इसके ऊपर जब हजारों वर्ष बीतते हैं तो इसके ऊपर मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ है, हमारे भारतवर्ष में ये जो डेक्कन प्लेटो है, इंडियन प्लेटो, इस पर ये सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि हजारों लाखों वर्ष पहले यहाँ पर फिसर इरप्शन हुआ, वोल्केनिक एक्टिविटी हुई। फिसर इरप्शन यानी कि दरार के रूप में लावा का उद्भेदन होता है, दरारी उद्भेदन, दरार बनती है और वहां से लावा निकलना शुरू होता है और वो लावा जो है वो फैलता गया, एक परत जमी, फिर से इरप्शन हुआ, फिर दूसरी परत जमी, फिर से इरप्शन हुआ, फिर तीसरी परत जमी, तो इस तरह से एक पठार जैसी आकृति बन गई और उस पर फिर वायुमंडलीय प्रभाव पड़ा और वेदरिंग और इरोजन की प्रक्रिया शुरू हुई, अपक्षय और अपरदन की प्रक्रिया शुरू हुई। उससे क्या हुआ कि मिट्टी का निर्माण शुरू हुआ और इस पर कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ, काली मिट्टी का। जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो डेक्कन प्लेटो में काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है और ये काली मिट्टी जो है ये बहुत उपजाऊ होती है, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा कॉटन का, कपास का उत्पादन जो है अच्छे तरीके से होता है, कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, कॉटन के लिए, गन्ने के लिए ये मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से मिट्टी भी जो है वो एक रिसोर्स है, एक तो मिनरल्स हो गया रिसोर्स, दूसरा बिल्डिंग मटेरियल हो गया रिसोर्स, तीसरा जो है सॉइल हो गया रिसोर्स। तो ये रिसोर्सेज जो है हमें इस चट्टान से प्राप्त होते हैं। तो ये इस इग्नेस चट्टान के बारे में, इग्नेस रॉक्स के बारे में हमने क्या क्या समझा इस वीडियो में, ये इसका अर्थ क्या है, रॉक्स का इन जनरल क्या अर्थ है, उसके बाद उसके टाइप में जो पहला प्रकार है इग्नेस, उसका निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन, उसकी उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है जो कि इससे रिलेटेड है, और तीसरा टाइप्स, इसके प्रकार क्या है, कहाँ पर निर्माण हो रहा है उस आधार पर, और रासायनिक जो संरचना है उसके आधार पर, और लास्ट इसमें क्या समझा कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो इस वीडियो में, इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो रॉक्स का जो दूसरा प्रकार है, अवसादी चट्टाने या सेडिमेंट्री रॉक्स, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।